नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। विकास पगला गया है, अर्थव्यवस्था की क्रैश लैंडिंग होने वाली है, सरकार पर इस तरह के तमाम आरोप लग रहे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और उन्होंने 1 घंटे 5 मिनट के भाषण में बकायदा आंकड़ों के जरिए जवाब दिया और आलोचकों को उन्होंने हर एक बात पर जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे उसका जवाब आंकड़ों के जरिए दिया। पीएम को देखकर आज लग रहा था कि बकायदा एक सीईओ प्रेजेंटेशन दे रहा हो, वो हर बात के लिए कि कैसे मंदी का दौर है, किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हैं, किस तरीके से अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, ऐसी तमाम बातों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम आलोचना को सुनने के लिए तैयार हैं और विनम्रता के साथ सुन रहे हैं, लेकिन देश को आप नेगेटिविटी में मत घसीटिए, निराशाजनक मत बनाइए। हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। देश में भी मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश की प्रतिष्ठा को, हमारी ईमानदार सामाजिक संरचना को कमजोर करने का काम करते रहते हैं। इन लोगों को सिस्टम और संस्थाओं से हटाने के लिए सरकार ने पहले ही दिन से स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस जैसी बात नहीं है, बल्कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, उसे लागू भी कर रहे हैं और ये सब तय टाइम फ्रेम में हो रहा है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ईमानदारों के साथ पूरी तरह खड़ी है और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश में जमा काले धन के लिए बहुत कठोर ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया, कई नए नए देशों के साथ टैक्स ट्रीटीज की गई और पुराने टैक्स समझौतों में हमने बदलाव भी किया, उनके साथ बैठकर के नए तरीके ढूंढे। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया गया, 28 साल से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून किया गया, कई वर्षों से लटका हुआ गुड एंड सिंपल टैक्स जीएसटी, लागू किया गया। डीमोनेटाइजेशन का फैसला लेने की हिम्मत भी इसी सरकार ने दिखाई। विपक्ष सवाल नोटबंदी को लेकर भी उठा रहा था, ऐसे में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का विरोध करने वाले लोगों को उसके फायदे गिनाए। मोदी के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश में कैश का चलन 12% से घटकर 9% तक पहुंच गया है। यह सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश टू जीडीपी रेशियो अब 9% आ गया है, 9% आ गया है। 8 नवंबर इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान का प्रारंभ दिवस माना जाएगा 8 नवंबर। नवंबर 2016 से पहले ये रेशियो 12% था, आज 9% है। हाल के दिनों में सरकार की आलोचना सबसे ज्यादा अगर किसी विषय को लेकर हुई तो वो गिरती विकास दर थी, जिसे लेकर अपनी सरकार पर निशाना साधे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान 8 बार ऐसे मौके आए थे जब विकास दर 5.7% के भी नीचे चली गई थी। साथियों, क्या आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ किसी तिमाही में 5.7% तक पहुंची है? क्या पहली बार हुआ है? क्या पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए ज
जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे गिरी थी। देश की अर्थव्यवस्था ने ऐसे क्वार्टर्स भी देखे हैं जब विकास दर, भूलिए मत पुरानी बातों को, जब विकास दर 0.2% 1.5% यहां तक गिरी थी। पीएम ने सिर्फ आलोचनाओं का जवाब नहीं दिया बल्कि उन्होंने आलोचकों को भी जवाब दिया ये कहते हुए कि मैं आलोचकों का स्वागत करता हूं, विनम्रता के साथ आलोचना का स्वागत करता हूं, लेकिन देश में हमारी सरकार में काम हो रहा है, कम से कम इसको मानिए। पूरी नम्रता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आज पूरा विश्व भारत की तरफ जो अपेक्षाएं कर रहा है, 125 करोड़ देशवासी जो अपेक्षा कर रहे हैं, उसी रिधम से, उसी तेज गति से, उसी व्याप से चला के रहेंगे, ये मैं हमारे आलोचकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, नम्रतापूर्वक विश्वास दिलाना चाहता हूं। आलोचकों की हर बात गलत होती है, ऐसा हम मानने वाले में से नहीं है, लेकिन देश में निराशा का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। तो गिरती विकास दर पर सवाल तो उठ ही रहे थे जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया, साथ ही जीएसटी को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। पीएम मोदी आज जब बोले तो उन्होंने जीएसटी पर लोग अपने आलोचकों को जवाब दिया। जीएसटी के संबंध में भी कहना चाहता हूं, 3 महीने हुए, 3 महीने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं, हर चीज को हमने भली भांति देखा है, बारीक से बारीक चीजों के फीडबैक लिए हैं, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए मैंने उनसे कहा है कि अब 3 साल हो गए हैं, हम पूरी तरह उसका रिव्यू करें, और जहां जहां बॉटलनेक है, कठिनाइयां हैं, व्यापारी आलम को दिक्कत है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, फॉर्म भरने की दिक्कत है, जो भी दिक्कत है उसको एक बार रिव्यू किया जाए, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी सरकारें, क्योंकि सभी राज्य सरकार में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मिल करके इसको क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी उस पर करें। और मैं देश के व्यापारी आलम को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लकीर के फकीर नहीं है, और हम कभी ये दावा नहीं करते सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है, जहां कहीं रुकावटें हैं 3 महीने में जो अनुभव आया है उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है। तो ये बड़ी बात पीएम कह रहे थे कारोबारियों को कि जीएसटी को लेकर हम लकीर के फकीर नहीं हैं, जो दिक्कत आ रही है अगर बदलाव करना पड़ेगा जीएसटी में तो हम आपके साथ खड़े होंगे और राज्य सरकार भी हमारा इसमें साथ दे। अगला सवाल जीडीपी को लेकर उठ रहा था, इन सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़ों के साथ बकायदा प्रेजेंटेशन देते हुए अपनी सरकार और मनमोहन सरकार की बकायदा तुलना की। उन्होंने जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का डाटा रिलीज किया था तो यही लोगों ने इसे खारिज कर दिया था और क्या कहा था कि ग्राउंड रियलिटी में हमें ऐसा लग नहीं रहा है। हमारी जो शैल्य वृत्ति है उसमें ये फिट नहीं होता है। वही इंस्टीट्यूशन उस समय पसंद नहीं थी, पद्धति पसंद नहीं थी, लेकिन 5.6 हुआ, एकदम मजा आ गया, हाँ ये इंस्टीट्यूट अच्छी। और ऐसे लोग कहते थे कि उन्हें फील नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है ये हमारे गले नहीं उतरता है। चंद लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दे दिया कि जीडीपी तय करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है, तब ये लोग डाटा के आधार पर नहीं अपनी फीलिंग पर बातें कर रहे हैं।
और जब पीएम मोदी आंकड़े गिना रहे थे तो उन्होंने गिनाया कि आप देखिए कैसे शहरी लोगों की बात करें तो कार खरीदने की दर में वृद्धि हुई है, हवाई यात्रा में वृद्धि हुई है, किस तरीके से लोग जो है वो खर्च कर रहे हैं। और उन्होंने ग्रामीण लोगों की भी बात की, उन्होंने कहा कि 34% इजाफा हुआ है ट्रैक्टर की खरीद में, जो ये दिखाता है कि बिल्कुल मंदी आ गई है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, ऐसी स्थिति भी नहीं है। यानी एक एक बात का जो आरोप उन पर लग रहे थे उसका उन्होंने चुन चुनकर जवाब दिया आंकड़ों के जरिए।